दोस्तों सैटरडे का दिन होने वाला है बिग बैश लीग में डबल हेडर का दिन, जहां पर पहला मैच तो मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर्स के बीच होगा, तो वहीं दूसरा मैच होगा ब्रिस्बेन हीट और हॉबर्ट हरिकेन्स के बीच। 41st मैच है जो खेला जाएगा द गबा ब्रिस्बेन में। अब दोस्तों दोनों ही टीम्स जो है ब्रिस्बेन हीट और हॉबर्ट हरिकेन्स अपना लास्ट मैच हार चुकी है और एक बार फिर उम्मीद होगी कि दोनों जीत की ट्रैक पर वापसी करें। अब यहाँ अगर हीट और हरिकेन्स के बीच की भिड़ंत देखें तो 19 बार मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, जहाँ ब्रिस्बेन हीट 8 बार जीती है और हॉबर्ट हरिकेन्स 11 बार मैचेस अपने नाम कर चुकी है, यानी कि अभी तक तो हॉबर्ट हरिकेन्स का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन करंट कंडीशन क्या चल रही है दोनों टीम्स की, आइए उस पर ध्यान दे लेते हैं। ब्रिस्बेन हीट 9 मैचेस खेल चुकी है, 3 मैचेस जीती है, पॉइंट्स हैं इनके 14 और नेट रन रेट है -0.37 का। ऑन दी अदर हैंड हरिकेन्स की बात करी जाए तो 9 मैचेस इन्होंने भी खेले हैं लेकिन 4 मैचेस इन्होंने जीते हैं, एक मैच ज्यादा, पॉइंट्स हैं इनके 17 और नेट रन रेट है +0.009 का, यानी कि हॉबर्ट हरिकेन्स बढ़ रही है ऊंचाइयों की तरफ। मतलब कि अभी हाल फिलहाल तो हॉबर्ट हरिकेन्स का ओवरऑल परचम लहरता दिखाई दे रहा है। अब जहां तक बात है दोस्तों वेन्यू की, तो भाई गाबा का मैदान होगा जहां ऑलरेडी 2 मैचेस इस सीजन में खेले जा चुके हैं और दोनों ही मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर यहां पर रहता है समवेयर अराउंड 165 का। हाईएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो दोस्तों वो बनाया था मेलबर्न स्टार्स ने, 207 रन बनाए थे इस सीजन में, और लोएस्ट स्कोर रहा है ब्रिस्बेन हीट का 143 रन। अब भाई ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू नजर आता है अगर हम लास्ट 2 मैचेस को देखें। अब रही बात बॉलर्स के परफॉर्मेंस की, तो भाई 33 विकेट 2 मैचेस में लास्ट में लिए जा चुके हैं, जहां ब्रिस्बेन हीट की अगर हम बात करें तो 16 विकेट इन्होंने अपने नाम करे हैं। जहां हीट की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं मार्क स्टेकिटी। भाई समय हो गया है वीडियो में आगे बढ़ने का, नजर डालते हैं टीम्स पर और फोकस करते हैं पोटेंशियल प्लेयर्स की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम ब्रिस्बेन हीट की अगर बात करें तो यहां लास्ट 4 मैचेस को देखें तो ब्रिस्बेन हीट मात्र एक मैच जीत पाई है, वो भी हॉबर्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट। खैर उस पे हम आगे आएंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो माहौल नजर आ रहा है वो ये कि टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो ऑन द स्पॉट अच्छा परफॉर्म करता नहीं दिखा है और टीम में जो चेंजेस हुए हैं उसके चलते ब्रिस्बेन हीट थोड़ा बैकफुट पर आती नजर आ रही है। जैक लेमैन अपना लास्ट मैच खेले थे 125 के स्ट्राइक रेट से, 65 रन इन्होंने बनाए हैं ब्रिस्बेन हीट के लिए। इनसे उम्मीद है कि अब जो मैचेस होंगे उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सैम हीजलेट एज यूजुअल छोटे छोटे स्कोर करते नजर आए हैं और टीम के लिए कंसिस्टेंटली 10-20 रन जरूर जोड़ते हैं। 68 रन लास्ट 4 मैचेस में इन्होंने बनाए हैं 98 के स्ट्राइक रेट से, जो कि अच्छा भी है क्योंकि कंसिस्टेंट है, लेकिन और बेहतर परफॉर्म ये कर सकते हैं। अब यहीं पर ही टीम का जो बैटिंग लाइनअप है इन 2 बल्लेबाजों पर मोस्टली डिपेंड करता दिखा है। इनके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो टीम में क्रिस लिन थे, वो अब मौजूद है नहीं। फखर जमान की डेफिनेटली एंट्री हुई है, जिन्होंने लास्ट मैच में मात्र 3 रन बनाए थे। उम्मीद होगी कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में इनके बल्ले से रन निकलेंगे, प्लस टॉम कूपर, इनसे भी उम्मीद है कि थोड़े बहुत रन ये भी स्कोर करें। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो टीम का बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा संदिग्ध होता है नजर आ रहा है। रही बात बॉलिंग अटैक की, तो भैया यहां पर 2 बॉलर ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हैं मुजीबुर रहमान, लास्ट 4 मैचेस में इन्होंने 4.9 की इकोनॉमी से 6 विकेट निकाले हैं, शानदार गेंदबाज है। और रही बात हॉबर्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट हुए मैच की, तो दोस्तों मुजीबुर रहमान ने 3 विकेट अपने नाम करे थे, तो इन पर डेफिनेटली नजर रखनी जरूरी है। इनके अलावा लास्ट मैच में डेविड ग्रांट को मौका मिला था, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम करे थे 5 की इकोनॉमी के साथ। तो ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट के लिए। अब दोस्तों ऐसे में काफी क्रूशियल नजर आता है कि प्लेयर्स किस तरह से इस बार हॉबर्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट खेलते नजर आएंगे। रही बात इनके ओपोनेंट्स की, तो भाई जहां एक तरफ ब्रिस्बेन हीट का बैटिंग लाइनअप कमजोर है तो वहीं हॉबर्ट हरिकेन्स भी इन्हीं के ही ढर्रे पर नजर आ रहे हैं, हालांकि टीम में प्लेयर्स काफी अच्छे मौजूद हैं। बेन मैकडरमॉन्ड लास्ट 4 मैचेस में 248 रन बना चुके हैं 177 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों इनकी अगर हम बात करें लास्ट मुकाबले की जो हॉबर्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट खेला गया था, उसमें ये 0 पर आउट हुए थे जिसके चलते टीम सफर करी थी और 14 रनों से हारी थी। हालांकि अब डायनेमिक्स वैसे नहीं है, ब्रिस्बेन हीट की जो टीम है वो कमजोर हुई है और यहां पर हॉबर्ट हरिकेन्स के जीतने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीम में है टिम डेविड जो कि अच्छा परफॉर्म करते दिखे हैं, मिडिल ऑर्डर को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, 4 मैचेस में 71 रन बनाए हैं 182 के स्ट्राइक रेट से।
और यहां पर दोस्तों टॉप ऑर्डर में साथ मिलता है डार्सी शॉर्ट का, जो 101 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट 92 कर रहा है, लेकिन दो विकेट भी इन्होंने अपने खाते में किए हैं शामिल। तो ऐसे में ये जो लाइनअप है अभी तक अच्छा नजर आता है एज कंपेयर टू ब्रिस्बेन हीट। क्योंकि अगर हम नजर डालें बॉलिंग अटैक पर तो भैया संदीप लामिचाने ने 4 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं, 8.2 की इकोनॉमी इनकी रही है। और रही बात थॉमस रॉजर्स की, तो भाई 4 मैचेस में इनके खाते में भी 6 विकेट आए हैं और इकोनॉमी इनकी और ज्यादा बेहतर नजर आ रही है 6.5 की। तो दोस्तों ये दो तो डेफिनेटली बॉलर्स आपकी लिस्ट में होने चाहिए जिन पर आपका ध्यान जाना जरूरी है। इनके अलावा रायली मेरेडिथ की अगर बात करें तो दोस्तों 4 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने लिए हैं 8.5 की इकोनॉमी के साथ। तो डेफिनेटली टीम का जो बॉलिंग अटैक है वो ब्रिस्बेन हीट से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। जहां पर अगर हम देखें तो टीम में टिम डेविड भी गेंदबाजी कर सकते हैं, हालांकि विकेट लेते अभी तक नजर नहीं आए हैं। चलिए दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करें, उससे पहले दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर नजर मार लेते हैं। ब्रिस्बेन हीट की ओर से ये मैच खेल सकते हैं जैक लेमन, जैक क्लेटन, फखर जमान, सैम हीजलेट, टॉम कूपर, लचलन फेफर, स्टीवन मैकगिफिन, विल प्रेस्टविज, रोनन मैकडोनल्ड, डेविड ग्रांट और मुजीबुर रहमान। वहीं हॉबर्ट हरिकेन्स की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं मैथ्यू वेड, बेन मैकग्रोमोंड, डार्सी शॉर्ट, कैलेब ज्वेल, पीटर हैंड्सकॉम, टिम डेविड, मिचेल ओवन, थॉमस रॉजर्स, रायली मेरेडिथ, संदीप लामिचाने, मैकेलिस्टर राइट। ओवरऑल देखा जाए तो हॉबर्ट हरिकेन्स हर मामले में ब्रिस्बेन हीट से बेहतर नजर आ रही है और वो ये मैच जीतने की प्रबल दावेदार है। आपके हिसाब से क्या ब्रिस्बेन हीट जीत रही है? दोस्तों कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, अपना ओपिनियन इस ओपन प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करें। और भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रिकेट लाइन गुरु चैनल एंड स्टे सेफ। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।